वर्ल्ड कंपटीशन में गई थी रेसलिंग के, 30 बालक गए थे, 30 में एक मरी बेबे थी। 29 बालका ने कोई प्राइज नहीं, अकेले इसका प्राइज था कि जो 29 भाई रह गए, भाई बहन जितने भी थे 29 रह गए, बाद में वो कड़पे नहीं, या अकेली को मैं ना कि मैं सेटिंग कर गई कि मैं पै मतलब जल्दी हो तो आए होंगे ना। हुडा साहब वहाँ पे गए थे, एक सर्कल कबड्डी का मैच देखे थे, और 24 के 24 प्लेयर नौकरी पे लगा दिए, तो बहुत बड़ी बात थी। आप वहाँ पे गेम खेल लो, तो वहाँ पे आपने यूं भी लगाया भाई 100 गेम में कहीं ना कोई पार्शलिटी होती होगी प्राइज को लेकर जी। स्पेशल खान पे क्यों कर ध्यान रखो जी आप, इसके डाइटिशियन पे क्यों कर ध्यान रखो आप इसके स्पेशल। अभी तक ऑनेस्टली जहां तक मैंने दिखा है कि भाजपा सरकार गेम्स को लेकर, स्पेशली बड़का ने लेकर, कैश प्राइज को लेकर, या इनकी प्रमोशन ने लेकर बहुत पीछे है, खिलाड़ी बहुत सारे नाराज हैं इस मामले में। मैं जूनियर को भी, सब जूनियर के जो बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी उनका मेडल आ उसी टाइम उनको प्राइज मनी देनी चाहिए, तो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, तभी अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे कि उनको किसी खर्चे की या किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो साथ में पैसे मिल जाएं तो बच्चा और प्रैक्टिस करेगा और हौसले होंगे तो और देश के लिए स्टेट के लिए अच्छा करेगा। अंश जो कर रहे हैं वे कान तोड़ा ले, हाँ इसका कुकर बच गया। आपने कई बार के लगाया भाई छोरी किस चीज़ में ढीली है, रूटीन में, अनुशासन में, या थोड़ा सा सुस्त है? नहीं, किसी चीज़ में नहीं, ना प्रैक्टिस को इसको मना करती है कभी भी। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम निडानी गांव में हूँ और हमारी छोटी बेबे कुश्ती की प्लेयर, जो सब उम्र में सबसे छोटी, और मैं सोचू था कि 5-7 देशा में गेम खेल आई कुश्ती का, लेकिन पता चला कि 15-16 कम से कम देशों में घूमाई, और आज तक कोई भी गेम ऐसा नहीं कि घर प्राइज ना ले आई हो। अनफॉर्चुनेटली एक देश में बीमार होने के कारण उसका गेम नहीं आया, वो गेम छोड़ दिया उसने, अदरवाइज तो आज तक कोई भी गेम ऐसा नहीं था कि उसका प्राइज ना आया हो। उम्र में सबसे छोटी अंशु मलिक, उनके पिताजी आज हमारे साथ है धर्मवीर मलिक जी। राम राम जी। बेबी राम राम। राम राम। राम राम जी। राम राम। भाई ये माता जी हैं, स्पेशल डाइटिशियन हैं इसकी, भाई डाइट का पूरा ख्याल ये रखे हैं, और कोई स्पेशल यू नहीं कि डाइटिशियन ढूंढ रखा है। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया जी। हाँ जी फिट। यूं लगा है जो कर सरकार तो नाराज से हो आप? ना ना सरकार से कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, बस यही है कि बच्चा ने सबसे छोटी उम्र के सोनम महन सुई ने क्वालिफाई किया है, ओलंपिक में जाएंगी, तो कोई न कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको अच्छी नौकरी देनी चाहिए सरकार को, और अच्छा प्रोत्साहन करना चाहिए, जो बच्चा कैश वार्ड थोड़ा बहुत रुकिया हो वापिस दे देना चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी की अच्छी तैयारी कर सके। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मारी बेबे 12 दिसंबर से 18 दिसंबर है ना जी, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के लिए वर्ल्ड कंपटीशन में गई थी रेसलिंग के, 30 बालक गए थे, 30 में एक मारी बेबे थी। 29 बालका ने कोई प्राइज नहीं, अकेली इसका प्राइज था, कितनी बड़ी बात है या बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो पहले उस बारे में बात कर ले। वहाँ बेबे वो प्राइज क्यों कर आया था अकेली का, 29 खाली आया अकेले, तू ही राजी होंगी आई होगी फ्लाइट में? राजी होने की तो क्या बात है या भाई, भाई मेडल तो हमारे भी हम देश के लिए ही लेके आए थे, और भी आने चाहिए थे, बस किसी वजह से वो कोरोना का टाइम था तो वो लॉकडाउन हुआ, उस वजह से भाई थोड़ी सी गैप हो गया परफॉर्मेंस में, तो वही है कि मेहनत तो सब करते हैं, और ये तो है नहीं क्योंकि बिना मेहनत के लिए कई ख़राब भी हुई हैं बाउट हमारे, मतलब जीतते जीतते पहलवान थे जो जीत रहे थे, फिर कुछ मतलब लास्ट टाइम में हार गए। या मैं एक बात पूछूं कि जो 29 भाई रह गए, भाई बहन जितने भी थे 29 रह गए, बाद में वो कड़पे नहीं, या अकेली को मैंने कि मैं सेटिंग कर गई कि मैं पै मतलब जल्दी हो तो आए होंगे ना, कुछ तो ऐसा लगा ही होगा? ना ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं लगा ना। देखो भाई यह सच्चाई है कि अगर दोस्त पढ़ाई में होशियार है तो अच्छी बात है, लेकिन जब नंबर वन आ जाए फिर थोड़ा सा जलन हुआ है। सर 2016 का कैश प्राइज नहीं आया इसका, और 18-19-17 के आगे 17-18 के आ लिए, और 15-16 के अभी बाकी हैं,
लेकिन आश्वासन दिया गया जयेंद्र फोगाट ने कि हम उसको करवा देंगे, तो देखते हैं कितने दिन में आएंगे आओगे अगर सुखा आश्वासन था। नहीं नहीं चलो हम तो विश्वास तो किया है, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है उसके ऊपर। आज वो सर्टिफिकेट DS ऑफिस में मंगाए भी थे, वो भी दिया है हमें। 17-18 का भी कैश प्राइज मिलने खातर अमित शाह तो अप्रोच गई थी जब वो मिला। नहीं ये तो थोड़ा तो कोशिश तो थी, उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे, लेकिन 2015-16 से मेडल आ रहे थे और 2020 लग गई थी। तो जब तक भी कोई पैसा नहीं मिल रहा था, सब जूनियर जूनियर ये बच्चे थे, किसान की बेटी किसान हम भी, तो बड़ी दिक्कत होती है उसकी यहाँ तक लेने में, तो पैसे की इसमें तो ज़रूरत होती है, तो मिल नहीं रहा था, इस करके हम कोर्ट में भी गए। अच्छा कोर्ट में गए। हाँ हाँ, तो फिर कोर्ट का दबाव हुआ जब मिले, पता नहीं कोर्ट का है या ऊपर से सरकार का हुआ, लेकिन वो 17-18 के मिले हैं, लेकिन अभी 19-20 के भी रह रहे, 2016 के भी बाकी रह रहे। देखो भाई मैं एक बात पूछूंगा जो भाजपा के समर्थक है उनसे, कि ठीक है आपका काम है भाजपा की बढ़ाई करना, लेकिन दिल पर हाथ रख के कहो कि भाजपा खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम कर रही है, यह बात सोच के कमेंट जरूर करियो कि भाजपा क्या भाजपा खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम कर रही है। हुड्डा सरकार में DSP भी लगाया करते, क्योंकि मैंने एक वो मामला याद है जब हुड्डा साहब वहाँ पर गए थे, एक सर्कल कबड्डी का मैच देखा था और 24 के 24 प्लेयर नौकरी पर लगा दिए, तो बहुत बड़ी बात थी। अभी तक ऑनेस्टली जहाँ तक मैंने दिखा है कि भाजपा सरकार गेम्स को लेकर स्पेशली बड़का ने लेकर कैश प्राइज को लेकर या इनकी प्रमोशन ने लेकर बहुत पीछे है, खिलाड़ी बहुत सारे नाराज हैं इस मामले में। भले ही मेरी बेबे नाराज ना हो, लेकिन यह बात सच्चाई भी है, खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा सा एक्टिव कम है भाजपा सरकार। जी ऐसे तो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा के हमारे सांसद हैं ब्रजभूषण जी, अच्छा जी, जो खेल के प्रेजिडेंट हैं, वो अच्छा कर रहे हैं कुश्ती के लिए बहुत ज़्यादा। जो आज ये सोनम मंसू है उनकी वजह से ही आज ओलंपिक में जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे थे, इनको परमिशन दी उन्होंने, तो बच्चे के को परमिशन दी तो इनको मौका दिया तो आज ये कहाँ हैं। तो अच्छा भी कर रहे हैं वो कुश्ती, अच्छा के लिए सबसे ज़्यादा भी कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया जो कुश्ती के लिए। ओलंपिक के 8 के 8 बालक भी हरियाणा के सिलेक्ट हुए। हाँ 8 के 8 बच्चे हैं जो हरियाणा के हैं, 4 लड़की 4 लड़के, लेकिन फिर भी कोई हरियाणा गवर्नमेंट की कोई ये नहीं पॉलिसी आई भाई, जो बच्चे नौकरी बने उनको नौकरी दे दो। मैं अंशु से फिर से बात करूँगा, बेबे जब आप वहाँ पर गेम खेलो हो तो वहाँ पर आपने यूँ भी लगाया भाई सोलो गेम में कहीं कोई ना कोई पार्शलिटी होती होगी प्राइज को लेकर, ऐसा लगे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं सोचती, मेरे को तो बस अपना गेम करना है और देश के लिए मेडल जीतना है। यूँ लगे भाई थोड़ी बहुत चीटिंग तो होती होगी, एक आधे नंबर नहीं लेगा ऐसा कुछ कभी, क्योंकि इतने देश खेल गई मेरी बेबे। चीटिंग वगैरह तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा अपने साथ तो कभी हुआ नहीं? नहीं जी। आपका क्या कहना है? नहीं अच्छा कर रहे हैं, अच्छे जो हमारे नेता हैं ब्रजभूषण जी वहाँ पे ट्रायल में भी आते हैं, नेशनल में भी आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो चीटिंग होने नहीं देते किसी के साथ भी, जो फैसला है वो अच्छा फैसला है, रेफरशिप करते हैं जो कोचेज हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पर खेला है तब की बात करूं, तब लगा आपने कई बार चीटिंग हो जाती हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भी वर्ल्ड लेवल पे एशिया लेवल पर कुछ नहीं, हाँ सब अच्छा कर रहे। अच्छा मैं आपसे बात करूँगा जी, स्पेशल खान पर क्यों कर ध्यान रखो जी आप, इसके डाइटिशियन पर क्यों कर ध्यान रखो आप इसके स्पेशल खान पर? भाई चाचू पीण को दें दे या वह चीज मना करती, गोलगप्पे नहीं खाने, समोसे नहीं खाने, चाय तो जी इसके दादा काका ताऊ पापा कोई नहीं पीता, कोई नहीं पीता, बस आपके साथ तो भले पीले हैं। अच्छा। वैसे नहीं पीता जी तो। अच्छा और के कुछ आप इसकी डाइट पे फोकस रखो, ये दूध घी सब्जी फ्रूट यही है, डांट भी दो भाई यो नहीं खाना वो खाना है। हाँ और कभी मेरे कहने से ना खाओ तो इसके पापा को बता दो उसके एड्रेस से खा लेते हैं फिर। अच्छा अंशुल खा ले वैसे समोसे वगैरह बर्गर चाउमीन वगैरह ले लेते हैं, खा लेती हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है ना किसी ने रोका कि भी नहीं खाना है। नहीं मना अच्छा। मना भी नहीं करते किसी चीज से, अगर कोई मना नहीं है, नहीं कोई रूटीन में तो खाते नहीं, रूटीन में तो खाते नहीं, अगर महीने में 2 महीने में अगर बच्चे का जी करे तो चलो भाई दुकान पे जाके अच्छी दुकान पे वहीं खा लो।
देखो भाई, अंशुल के पिताजी एक बात अक्सर ये सोचे हैं, और जो भी अच्छा भी है, अब तो खैर हमारी बहन सीनियर में आ गई, जूनियर को लेके भी सोचे हैं। जूनियर को लेके आपका क्या कहना है, सरकार को क्या राय देना चाहोगे? मैं जूनियर को भी, सब जूनियर के जो बच्चे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी उनका मेडल आओ उसी टाइम उनको प्राइज मनी देनी चाहिए, तो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, तभी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, कि उनको किसी खर्चे की या किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो साथ में पैसे मिल जाएं तो बच्चा और प्रैक्टिस करेगा, और हौसले होंगे तो और देश के लिए, स्टेट के लिए अच्छा करेगा। अंशु, 12-13 साल की उम्र में गेम खेलने लगी थी, तो घर के का दबाव था या खुद की इच्छा थी? खुद ही की थी, मेरे का तो किसी ने ये भी नहीं बोला था कि देखो रेसलिंग करनी है या कुछ है। अच्छा, खुद का इच्छा थी भाई कुश्ती करूँ मैं, इसकी दादी को बोला था इसने। हाँ। तो जो शुरू में ग्राउंड पर जाने से पहले कि दादी मैं भी कुश्ती करना चाहूँ, मैं छोटा इससे 4 साल बेटा, उसको वैसे घुमाने ले जाता था मैं। तो ये पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो अब नहीं है? नहीं अब भी है अब भी है, लेकिन थोड़ा अब गेम बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसने इसकी दादी को बोला कि मैं दादी कुश्ती करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरे को बोला भाई ये हैंसु ये कुश्ती करना चाहती है, तो कर लेगी, मेरे को क्या एतराज़। मैंने गांव का सा सीन देख अपने सोचा ना, छोरी कुश्ती नहीं की, मैं और गेम खेल ले। नहीं, मेरा तो परिवार कुश्ती से जुड़ा आया ना, मेरे बड़े भाई हैं पवन है, लड़के तो चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक छोरी ने घालना। नहीं 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 नहीं, खाड़े में घालना कि मेरे साथ ही जा रहे बचपन से। आप शुरू से ही ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी यूं आपका और आपका जिक्र नहीं चला, अभी कुछ और गेम खिला ले छोरी ने, यू गेम खिलाना? नहीं, यूँ इसलिए कि हम इससे हम कुश्ती ही है हमारे खून में, और कुश्ती में मेरे बड़े भाई भी हरियाणा केसरी कुमार हैं, पवन पहलवान जी, तो मेरे पिताजी भी अच्छे कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मैं भी नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल हूँ। तो इसी को जानते थे भी, कुश्ती यही करा सकते थे जिसका ज्ञान था हमें। कुश्ती जो कर रहे हैं वे कान तो डाले हुए हैं। हाँ हाँ, इसका कुकर बच गया। नहीं हमारे आपने दिन उत्थी उत्थी मार, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अगर आ जाता तो 1-2 दिन का रेस्ट दे देते हैं उसका, शिकायत से कोई करते, कोशिश यही रहती है कि कान ना टूटे क्योंकि बाद में लड़की है। हाँ, तो थोड़े बदे लगे टूटे कान, अच्छे गणे अच्छे भी लगे। हाँ, लड़की है थोड़े है उसमें अजीब सी लगे। हाँ, अगर तो फिर अपने कोच साहब ते भी और सब तक है भाई कान नहीं टूटने देना छुरी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कान टूटने वाले काम ही नहीं करती है, वो अगले के तोड़ती है अपने, तोड़े हैं बेबे लगी किसी का ऐसी कुश्ती लड़ती है नहीं है। कान किसी का नहीं तोड़ा ना, तोड़ा ना तोड़वाए। कितने घंटे प्रैक्टिस कराए अब रूटीन, क्योंकि अब तो एक लेवल पे है? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को तो होती होती है। 3 घंटे सुबह किस टाइम? 6 बजे। 6 बजे से 6 से 9, और फिर शाम में अब चली जाओगी जैसे 5 से 8 बजे तक? तो कोच साहब गुस्सा भी हो जाओ किसी बात की, क्योंकि अब तो सीनियर खिलाड़ी होगी ना इशू, अभी भी यूँ लगा भाई मैं सीनियर होगी इस कोच ने इतना कौन बेरा ना जी, नू कौन होता उड़ा जाके तो नू हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना जी। मैंने एक दंगल फिल्म में देखा था, वो आमिर खान थे, उसकी बेटी समझाने लगी पापा नू कौन आया करता ना जी, सब अपने पापा ने तो समझा दें दी होगी ना, इसके पापा समझते ही नहीं फिर क्यों कर सही यार। तो घर पे तो एक ही दोस्त की तरह रहते, लेकिन ग्राउंड पर कोई समझौता नहीं, सारे बालक एक से? नहीं, सारे बालक मैं तो इसके साथ रहता हूँ और इसकी कराता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस में कोई समझौता नहीं, वहाँ पर एक सीरीज भाई कोई ऐसा रेस्ट की और कोई वो नहीं होगी। कोच है इसका जगदीश सोरान है, तो कोच भी ये भी कोच साहब कोई उलाना दे दे हैं आपके कान में भाई छोरी में या कमी है, इसने इस चीज़ की प्रैक्टिस कराओ, ऐसा कोई उलाना? नहीं नहीं, मैं साथ में रहता हूँ प्रैक्टिस में भी नहीं उड़ाना, तो जब आना मैं ड्यूटी है भैया। हाँ नहीं, एक सपना हमारा ओलंपिक का ही मेडल का सपना शुरू से, और कोई सपना ही नहीं, और एशिया का वर्ल्ड की मेडल की हमने इसको इसके दिमाग में बाढ़ नहीं रखी, सिर्फ एक ही दिमाग में बाढ़ रखी ओलंपिक का मेडल बस, और तो सर्टिफिकेट लेमिनेशन भी नहीं करवा रखे ओलंपिक का ही कराओ ओलंपिक का ही इतने सर्टिफिकेट रखे मुखा जी ने लेमिनेशन तो करा लो, बोले ना ओलंपिक का कराना हमने लेमिनेशन, क्या बात है।
अच्छा, आपने कई बार के लगा है छोरी किस चीज में ढीली है, रूटीन में, अनुशासन में, या थोड़ा सा सुस्त है? नहीं, किसी चीज में नहीं, ना प्रैक्टिस को इसको मना करती है कभी भी, किसी चीज में सुस्त नहीं। माँ बाप का कोच साहब का कोई उलाना भाई, यह चीज मेरी मम्मी धक्का करा है, पापा जी धक्का करे हैं, कोच साहब नटी हो ना, कुछ तो बता दे। बस ज्यादा तो बस खान पीन के ऊपर ही वो ज्यादा लड़ाई रहती है, मेरा मन नहीं करता खाने का, फिर ये के ले लिया हुआ है, बनाना शेक बना दे हैं, बनाना शेक तो पीने सर है, ये हलवा नहीं खा के खुश होती। एक है पापा थी बतानी, चूरमा खवा दो, चूरमा तो कदे भी नहीं खाती। फिर तो एक साइड कुछ कदर लग रहा है, एक चूरमा पता कौन सा खाना है। पूड़ा मत रखे जोर, पूड़े तो जब तुम दो बदे दो, लेकिन हलवा भी थोड़ा जरूरी, फिर घी जाना चाहिए, पूड़े खवा दो की बात है ना जी, हलवा भी जरूरी है जी। माँ बाप ने भी चिंता तो सारी चीज की है। तो ये ओलंपिक किसकी तैयारी चल रही है? हाँ, स्पेशल प्रैक्टिस के चल रही है ओलंपिक में? बस अभी तो मैं इसका जैसे अब 3 घंटे प्रैक्टिस में घंटे बढ़ाओगे इसके? नहीं, थोड़ा बहुत यूँ तो बढ़ता रहता, कभी आधा घंटा बढ़ गया, कभी आधा घंटा, अगर थकावट है तो आधा घंटा पहले ही छोड़ देते हैं भाई, फटीक में शरीर, लेकिन ज़्यादा काम मैट पर ही चल रहा है। तो इसकी हैवी प्रैक्टिस के छोड़ेंगे कुश्ती कराओ, ताकि आगे छोरी दिक्कत होना फेंक फेंक के मारे? नहीं, लड़कियाँ कर लिया, अभी कल हम मिर्जपुर जा रहे थे, शहीद भगत सिंह एकेडमी है, अजय पहलवान है, वहाँ पे भी गए थे कल मिर्जपुर में। हाँ, कल सुबह शाम का वहीं सेशन था, शाम को हम सुबह का भी सेशन वहाँ लिया, शाम का भी वहीं पे लिया, तो आज यहीं पे है। तो दो तीन ओलंपिक गेम और लड़कों के साथ ही ज़्यादा प्रैक्टिस से जो बाउट टाइप में कराते हैं वो लड़कों के साथ ज़्यादा होती है, ताकि आगे जाके इजी लगे। हाँ हाँ हाँ। ओलंपिक ने कितना आप नु सोचो अड़वा है, क्योंकि इतनी जगह जीत आई? नहीं, ओलंपिक अड़वा नहीं कह सकते, वो तो धरती का तख्ता आ गया, वहाँ अड़वा किसी को नहीं मानना। उस लेवल की स्पेशल कुछ खुद भी सोचा है कि भाई मैं स्पेशल तो यह करने की सोचूं खुद? कोच साहब और पापा जी तो लगते सोचेंगे, खुद क्या सोचा है? मैं तो जी बस इतना है भाई, मैं मेडल जीतना है वहाँ पे, और उसी फोकस के साथ अपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो पापा और कोच सोचेंगे, तो सोचना अलग से तो यही है कि कुछ देखो, क्योंकि आपने जितनी कंपटीशन करवाई, नहीं नहीं वहाँ से कुछ अलग अलग से यही करा रहे हैं कि जहाँ भी कमियाँ छोटी, जहाँ से पॉइंट देती है उस पर ज़्यादा काम हो रहा है, अलग और ओलंपिक में लड़की है। आपके पास मेल लिस्ट भी होंगी जहाँ पे इसका कंपटीशन जिन जिन के लिए होगा? हाँ, वो नहीं, वो तो निकाल लेते हैं फोन पे, जिस जो भी लड़की ओलंपिक में क्वालिफाई कर रही हैं तो उनकी भी देखते हैं हम कुश्ती, उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दंगल फिल्म में देखी थी वो, उन पर दूसरे खिलाड़ियों की कुश्ती देखे थे, भाई कौन सा किस दाव खेल रहा है, ताकि इसके आगे से। हाँ, उन पर तो देखते हैं फोन में, और उनकी कुश्ती भी निकालते हैं, जो लड़कियाँ हैं 3-4 लड़कियाँ जो अच्छी हैं ओलंपिक में, तो उनकी कुश्ती निकाल के देखते हैं भाई ये क्या अटैक करती है, इससे कैसे बचा जाए, अपना अटैक कहाँ करना है, तो ये तो फोन में देख के देखती भी है, ये भी देखती है अंशु भी, और मैं भी देख के, कोच भी देखता, उसके ऊपर काम भी करा रहे। अंशु, सीधा टारगेट गोल्ड है या तीनों में कोई भी मिल जाए? ना जी, गोल्ड है टारगेट तो। आप क्या सोच रहे हो? नहीं, सोच तो गोल्ड, सरकार पे कैश पे ध्यान है? नहीं, कैश पे कोई माँ बाप तो यह भी सोच सके? नहीं नहीं, पैसे नहीं, पैसे का नाम ना कभी नहीं देखा ना, इसको पैसे की कमी रहने दी, तू तेरा काम है गेम करना, हमारा काम है खर्चा करना और तेरी पहलवानी कराना, पैसे की तो इसको कभी महसूस ही नहीं होने दी, भी तंग हा तो हम तंग हा, बच्चे को तो कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि हम तंग हो यहाँ कभी भी। तो टारगेट तो ओलंपिक का है, क्योंकि अब ये देख लो भी कितनी मेहनत तो हम कर रहे हैं, ये मेहनत तो ये भी इतनी कर रही है, लेकिन हम भी कोच भी, तो सबसे छोटी उम्र की है ये, तो 19 साल की अभी हुई है तो ये ओलंपिक क्वालिफाई कराएगी, और वहीं लड़के एशिया चैंपियनशिप में भी गोल्ड आया उसी देश में, तो टारगेट तो एक ही है कि ओलंपिक है। जब यह जाओगी ओलंपिक में तो आप जाओगे, और ओलंपिक का भी एक नहीं, हम एक रिकॉर्ड बनाने ही सोच रहे हैं कि इस उम्र में तो 24-28 तो हमारा पीक है। सही बात है, तो हम तो 3-4 ओलंपिक की सोच रहे हैं मेडल की, परमात्मा इसकी जिंदगी दे,
आत्मा सलामत रहो, डीएसपी पद भी मिल जाएगा अगर प्राइज आएगा तो। ओ सब परमात्मा देगा जी, जब भी खट्टर साहब देंगे तो हाँ कट्टर साहब ही दे दें, कट्टर साहब को क्या कौन ही देंगे, कौन ही देंगे, चलो देंगे या ना देंगे उनकी मर्जी है जी, हमने तो गेम पे धागा खाना है। हाँ गेम पे है जी। तो भाई ये पूरा परिवार और मैं वेट में हूँ कि बेबे का सबसे पहले इंटरव्यू मैं ही करूँ ओलंपिक में जब इसका गोल्ड आवा है। और सर मेरे पास फोन करा, भाई हम दिल्ली तो चल दिए, आ जा तू भी गाड़ी में इंटरव्यू कराएंगे, बाहर देखूँ सर मैं। हाँ जरूर आपने जरूर बुलावांगे, मैं पक्का करवा लूंगा बात को। नहीं आपने पक्का बुलावा, फोन नंबर आपका मेरे पास है, फोन करके जगदीप भाई तू जरूर राह तेरे बिना हमारा जी भी लाग रहा है, मेरे लिए बड़ी खुशी हो भाई। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे फिर से रह गया मेरा, आप क्योंकि कोच भी रह लिए, खिलाड़ी भी रह लिए, अब छोरी ने भी तैयारी करवाओ। हाँ जी। अक्सर खिलाड़ी कुश्ती कर दे कर दे नशे में भी घुस जावे, उनका ध्यान क्यों कर रखा जावे? नहीं वो तो कोच का भी माँ बाप का भी थोड़ा साथ रहना चाहिए, ये सोच रहे हैं एक परिवार में एक आदमी को जरूर रहना चाहिए खिलाड़ी के साथ, ताकि वो कोई लाइन से ना उतरे, जो उसका टारगेट है उससे भी रखे उसको, ये थोड़ी ही हमारी भी गलती रह जाती है कि भाई जी ज्यादा बच्चा फ्रेंड सर्कल में नहीं छोड़ना चाहिए, पेरेंट्स ने परिवार तक कनेक्ट रहना ही चाहिए, परिवार का एक आदमी की तो बहुत कड़ी ड्यूटी है। आपने चिंता हो जाए छोरी की बहुत ज्यादा, भैया विदेश में जावे है कदे कुछ गलत स्टेप उठा ले? नहीं इस प्रकार की तो कभी नहीं होती। तो फिर नशा तो यकी करेगी, गोलगप्पे अपने खाने नहीं देंगे? मैं तो कुश्ती की टेंशन हो रहा सर, इसके हाथ पैर सही सलामत रहे जाओ और अपना जो कांति आज इसका टूटा नहीं है और तो कहीं से लग जाए चोट तो कांति। गेम्स में किस चीज का डर लगे, आत्मा टूटने का या कुछ से नहीं डर लगता या की मना तो क्या है गाना लगता जी, बच्चे तो इनकी तेज दूसरे, लेकिन माँ बाप को तो जब कुश्ती लड़े है ना, जब पूछो ना उनकी हालत कैसी हो जाए, बच्चा जब लड़े है मैट पाव है, जब आपका भी कुश्ती होगी तो हमारे पास आके देखना बस इंजरी का डर रहता है जी और कुछ नहीं। और हमने कुश्ती का ज्यादा ऐसे नहीं रहता कि भाई हार गई तो भी कोई बात नहीं, जीत गई तो भी इतनी खुशी नहीं, अगला टारगेट जो जिसका टारगेट ओलंपिक है तो हर जीत चलती रही कोई बात नहीं, ना इसको डर भाई माँ हार गई तो पापा कुछ कहेंगे ऐसी कुछ नहीं, लेकिन कोई गलती से हारे हो गलती पर उसका हमारी कमी हो, हमने उस पर काम ना कराया हो जिस वजह से हारेगी। अच्छा अंशु जब आप, मैंने आपके कई मैच देखे हैं, जब आप रिंग में उतरो हो तो जो फॉरनर लड़कियाँ हैं वे इंडियन लड़की से ज़्यादा सॉफ्ट ज़्यादा नाजुक होंगे, ऐसा कई बार लगे हमें? ना जी ज्यादा कुछ ना होता और ऑर्डर आयो है सर इतनी लंबी उसको कैसे काबू करे देखो भाई माँ बाप ने गेम खेलते टाइम जब कंपटीशन पास हो चोट फेट का सबसे ज्यादा डर हुआ है। एक एग्जांपल मैं मेरा बताऊं, मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ था एंड बैलेंस, वो हाथ पर चला गया था 250 मीटर, उसका नॉर्थ इंडिया में इकलौता था उसका सिलेक्शन हुआ था और दूसरे देश जाना था, एक हफ्ता पहले उसका हाथ टूट गया था भाई। तो ये सबसे बड़ा धोखा सबसे बड़ा डर हुआ है, और क्योंकि ओलंपिक वर्ल्ड का नंबर वन गेम, ओलंपिक में हर आदमी की इच्छा हुआ हम भी खेलना हमारे बड़का ने भेजा, और इसी तरीके से अब इसकी प्रैक्टिस भी हार्ड करवानी, स्टेमिना भी बढ़ाना, खान पीन का भी ध्यान रखना और सेहत का भी भाई। तो इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करूँ, बाकी अंशु मलिक का गोल्ड आओगे सबसे पहले इंटरव्यू मैं करूँगा भाई, कुआदी है बात तो। धन्यवाद जी आपका, थैंक यू बेबे, थैंक यू जी। तो भाई यो इंटरव्यू इतना ही, आपने यह वीडियो किसी लगी और नेक्स्ट टाइम पर अंशु को लेकर आपके क्या क्या सवाल हैं कमेंट बॉक्स में, और जब गोल्ड आओगा तो भाई स्पेशल गोल्ड के लिए मैं भी एक फोटो खिंचवाऊंगा और इंटरव्यू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की जय।